नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नौशाबा अख्तर। सबसे पहले हेडलाइंस। अवैध खनन के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुफस्सिल थाना पुलिस ने बारनवा घाट से बालू लदे दो ट्रैक्टर को किया जब्त। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड में शौचालय योजना और आवास योजना में अनियमितता का आरोप। वार्ड सदस्य ने कहा चलाहा पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर। ढाका थाना पुलिस ने शराब के साथ दो धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। पुलिस उप महानिरीक्षक जयंतकांत ने दियारा क्षेत्रों में स्थित पुलिस शिविर का किया निरीक्षण। मोतिहारी एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। मझौलिया थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने पंच प्रण की दिलाई शपथ। जन विश्वास संकल्प हमारा के तहत दिलाई गई यह शपथ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे सीतामढ़ी। सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम पहुंच कर की पूजा अर्चना। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। बोले भाजपा सरेआम लोकतंत्र की कर रही है हत्या। अवैध खनन के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस ने की एक बड़ी कार्रवाई की है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने बरनवा घाट के समीप छापेमारी करते हुए बालू लदे दो ट्रक को जब्त किया है। इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना की पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है जिले के मोतिहारी छोड़ा दानो मार्ग स्थित बरनवा घाट गंडक नदी के किनारे अवैध खनन की सूचना मोतिहारी एसपी को मिली, जिसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पूर्वी चंपारण के बंजरे प्रखंड स्थित चलाहा पंचायत में शौचालय योजना और आवास योजना में अनियमितता का आरोप वार्ड सदस्य नंद किशोर दुबे ने लगाया है। उनका कहना है कि शौचालय और आवास योजना में मनमाने ढंग से चयन कर लाभ दिया जा रहा है। आरोप है कि पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल चरम पर है। वार्ड सदस्य ने वरीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसकी जाँच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस टीवी न्यूज से वार्ड सदस्य ने क्या कहा सुनिए। सबसे पहले हम लोग का बंजरिया प्रखंड है, पंचायत हुआ चैलाहा, और वार्ड सदस्य हम भी हुए, तीसरा बार जीते हैं लगातार में हैं। कारण है कि यहाँ शौचालय में बहुत भ्रष्टाचार है। हम लोग शौचालय जिसको दिए, एक ही शौचालय पर दूसरा पेमेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री भी आवास जो दिया गया है उसमें भी गड़बड़ी है। यहाँ तो जाँच होनी चाहिए। यहाँ कोई सराम सुनने वाला नहीं है। बार बार बात करने पर टहलाया जा रहा है। हमारे 9 नंबर वार्ड में एक मुनि भगत हैं, उनको आज तक शौचालय का पैसा पेमेंट नहीं हुआ, वो जो हकीकत उनका है। और जिसको नहीं देना चाहिए उन लोगों की लोग पेमेंट कर रहा है पैसा की दलाली पर। मेरे वार्ड में दलाल से कुछ एक दो को पेमेंट किया गया है, जो एक ही शौचालय पर पुत्र का हुआ, मतारी का हुआ। ये सब सिस्टम ठीक नहीं है। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, भटकाया जा रहा है। हमने ये भी बात कहा कि आप जाइए जाकर अपना जांच कीजिए, सब किसी का आधार कार्ड लेकर जाकर जांच कराइए। अगर उसको मिला है तो मत दीजिए। अगर हम गलत करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाइए, आप गलत करते हैं तो आप पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस आगामी होली पर्व को देखते हुए शराब धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी अभियान चला रही है। इस कड़ी में एक बार फिर से ढाका थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु दरोगा अमरजीत कुमार ने थाना क्षेत्र के यादवपुर बकरी नहर के नजदीक से छापेमारी करते हुए दो बाइक पर जूट के बोरा में छुपा कर रखे 1260 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब के साथ दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में ढाका क्षेत्र के थाना अध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के यादवपुर बकरी गांव निवासी धनंजय कुमार तथा दूसरा सरताज आलम है। दोनों व्यक्ति एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों पर केस दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक चंपारण क्षेत्र जयंतकांत बेतिया द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु जिले के टॉल एवं दियारा क्षेत्रों में स्थित पुलिस शिविर का निरीक्षण किया गया। उनके इस निरीक्षण के दौरान मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में संग्रामपुर एवं गोविंदगंज थाना क्षेत्र में कार्यरत दो कैंपों का निरीक्षण किया गया। मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक चंपारण क्षेत्र बीती एवं पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु मौजूद पुलिस पदाधिकारियों सहित शिविर में तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। मझौलिया थाना परिसर में कल थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने सभी पुलिस कर्मियों को पंच प्रण की शपथ दिलाई।
इस दौरान उन्होंने सभी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा तथा सभी पदाधिकारियों एवं जवानों ने एक स्वर में प्रस्तावना को दोहराया। उन्होंने यह कहा कि यह प्रण जन विश्वास संकल्प हमारा के तहत दिलाई गई है, जिसमें शिकायत और FIR दर्ज करवादी को प्राप्त रसीद उपलब्ध कराना, महिला अपराध की सुनवाई से लेकर कार्यवाही महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा करना, गांव मोहल्ले का अपराध सर्वेक्षण करना, सभी संवेदनशील स्थानों का CCTV फुटेज से निगरानी करना और सक्रिय अपराधी पर हर समय निगरानी करना आदि शामिल है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी पहुंचे। सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम पहुंचकर रक्षा मंत्री ने पूजा अर्चना की। राजनाथ सिंह के इस दौरे को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वे पहली बार पुनौरा धाम पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर पुनौरा धाम की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात कर दिए गए हैं। वहीं सीतामढ़ी DM SP खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इस समय जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी की देश में बढ़ी है, उसको लेकर शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र शेष बचे यहाँ पर की कमल का फूल न खिले। सर, माँ जानकी जन्म माँ जानकी की कृपा से इस सीतामढ़ी में भी कमल का फूल खिलेगा। पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित पार्टी कार्यालय में आज कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष खलीलुर रहमान खान उर्फ अफसर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित कर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। हिमाचल प्रदेश और बिहार में जिस तरह कांग्रेस विधायकों ने पाला बदला है, इसको लेकर प्रखंड अध्यक्ष अफसर खान ने कहा कि भाजपा सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भाजपा पूरी तरह से विपक्ष को समाप्त कर देश में डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। मैं खलीलुर रहमान खान उर्फ अफसर खान, कांग्रेस अध्यक्ष केसरिया, जिस तरह से BJP देश के हित में गलत कर रही है, हिमाचल प्रदेश और बिहार के विधायकों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ किया, वो देश के हित में एकदम गलत काम कर रही है। हम आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि लोकसभा में आप लोग BJP को हराने का कोशिश कीजिए और देश के हित में काम कीजिए। आज के बुलेटिन में बस इतने ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे ST News के साथ।